तो मेरी जान, फिल्मी टैल के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। रिस्पांस तो कुछ घंटा मिलता नहीं है भाई, ये तो कोई रिस्पांस ही नहीं दे रहा है। फिर भी हम लोड़े से लसन रगड़ के आपके लिए कुछ ना कुछ टॉपिक पर वीडियो लाते ही रहते हैं। बड़ा रिस्पांस मिले या न मिले ये तो आपकी और ऊपर वाले की मर्जी है, पर हम तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला ले अगर तेरा फैजल। तो बाप के कमीनों और अम्मा जी के लाडलो, लाल वाले बटन को तोड़ दो या फोड़ दो, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। वो कैसे तोड़ेंगे या फोड़ेंगे ये अब आपके ऊपर है। तो बिना किसी बकचोदी के फिल्म टोल के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर तो ये है कि गदर 2 का फर्स्ट लुक पोस्टर आउट करते हुए लिखा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। भाई पोस्टर एकदम बवाल है और सन्नी पाजी तो कतई जहर लग रहे हैं। वैसे ये फिल्म इसी साल 11 अगस्त को रिलीज होगी। आपको ये पोस्टर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। और सेकंड अपडेट ये है कि पठान फिल्म ने अपने पहले ही दिन में 106 करोड़ रुपयों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है और इसी के साथ इंडिया में 57 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। और फाइनली कल सलमान खान की भी आने वाली फिल्म किसी का भाई तो किसी की जान का टीजर रिलीज किया गया है, जहां पर भाईजान 3 अलग अलग लुक्स में नजर आ रहे हैं और भाईजान के तीनों ही कैरेक्टर्स का एक्शन जबरदस्त है। सलमान खान के साथ पूजा हेगड़े, वेंकटेश और जगपति बाबू नजर आ रहे हैं। उनको ईद के मौके पर रिलीज किया जाएगा। अब इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नेक्स्ट अपडेट है कि ट्रिपल आर फिल्म के नाटू नाटू सॉन्ग को ऑस्कर में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। तो मेरी जान ये काफी बड़ी बात है कि नाटू नाटू सॉन्ग को ऑस्कर के नॉमिनेशन लिस्ट में शामिल किया गया है। ऑस्कर 12 मार्च को होगा, तभी देखते हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या होता है। अगली अपडेट ये है कि मुन्ना भाई और सिगरेट, ये क्या है, मेरा मतलब है सर्किट, एक साथ फिर से नजर आने वाले हैं। मतलब संजय दत्त और अरशद वारसी एक ही फिल्म में नजर आएंगे, जिसका पोस्टर हाल ही में रिलीज हुआ है, जहां पर इन दोनों को अपन जेल के अंदर देख सकते हैं। हालांकि फिल्म का टाइटल अभी कंफर्म नहीं हुआ है, पर इसी साल ये फिल्म रिलीज होगी। नेक्स्ट अपडेट है कि नेचुरल स्टार नानी की अपकमिंग फिल्म को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाएगा, जिसका टीजर 30 जनवरी को रिलीज किया जाएगा और फिल्म को 30 मार्च को रिलीज किया जाएगा और उसी दिन भोला को भी रिलीज किया जाएगा। भोला के दोनों ही टीजर दमदार रहे हैं, अब देखते हैं कि इसका टीजर कैसा रहता है। बाकी 17 मार्च को कन्नड़ा इंडस्ट्री की तरफ से कब्जा फिल्म को भी रिलीज किया जाएगा। फिल्म के हिंदी वर्जन का नाम कब्जा की जगह अंडरवर्ल्ड कब्जा कर दिया गया है। वेंकटेश की 75वीं फिल्म का टाइटल कंफर्म हो चुका है और साथ ही एक छोटा सा ग्लिम्स रिलीज किया गया है, जिसमें वेंकटेश का लुक और उनका अंदाज काफी अच्छा लगा और इस फिल्म को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाएगा, जिसका नाम है सेंध। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सब कुछ कर दें ताकि हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल सके। चलिए मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।